भारत में बहने वाली वह कौन सी नदी है जिसे बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जाना जाता है? आपको जानकारी के लिए बताएं कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 यानी 54 नदियां बहती हैं, और उनमें से एक नदी जो कि मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है और मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम होते हुए असम के दक्षिणी सिरे से कसम से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उस नदी का नाम है क्या? बराक। कौन सी नदी? बराक। बराक नदी घाटी जो कि असम के दक्षिणी हिस्से में पड़ता है और चाय के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बराक नदी के ही ऊपरी हिस्से में लखीमपुर से भंगा के बीच लगभग 121 किलोमीटर की वो लंबाई, जिसमें यह नदी नौकायन योग्य है और इसे भारत सरकार के द्वारा भारत का 6वां राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया वर्ष 2016 में। यह नदी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसी नदी पर भारत सरकार के द्वारा तिपाई मुख बांध बनाने का प्रस्ताव जो रखा गया, तो बांग्लादेश की सरकार को, बांग्लादेश को एतराज हुआ। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश का ये कहना है कि भारत सरकार इस नदी के जल के प्रवाह को प्रभावित करना चाहती है। बहरहाल बराक नदी जब भारत से लगभग 525 किलोमीटर की दूरी तय करके और लगभग 31 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश के बीच इंटरनेशनल बाउंड्री का निर्माण करते हुए और जैसे ही प्रवेश करती है बांग्लादेश में, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, यह दो हिस्सों में बट जाती है, यानी दो जल वितरिकाओं में बट जाती है। एक जल वितरिका को कुसिनारा के नाम से जानते हैं और दूसरी जल वितरिका को सुरमा के नाम से जानते हैं। तो जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारत की किस नदी को बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जाना जाता है, जी हाँ, बराक। आपसे पूछा जाए भारत की किस नदी को बांग्लादेश में कुसिनारा के नाम से जाना जाता है, उस सवाल का भी जवाब है क्या? बराक। इतना ही नहीं, ये नदी दो हिस्सों में बट जाने के बाद आगे बढ़ करके और फिर जो है मिल जाती है, और जब मिल जाती है तब उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। और आगे चल करके ये नदी ब्रह्मपुत्रा और गंगा की संयुक्त धारा से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा जिसको कि बांग्लादेश में जमुना के नाम से, और गंगा जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, इन दोनों की संयुक्त धारा से जुड़ जाती है ये नदी, और तब इन तीनों नदियों को संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जाना जाता है, और मेघना के नाम से ही ये नदी जाकर के बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, या कहें बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ही बनाया गया, उसमें मेघना नदी का भी बड़ा योगदान है। तो आपसे पूछा जाए कि भारत की किस नदी को बांग्लादेश में मेघना कहते हैं, उस सवाल का जवाब है बराक। भारत की किस नदी को बांग्लादेश में कुसिनारा कहते हैं, उस सवाल का जवाब है बराक। या भारत की किस नदी को बांग्लादेश में सुरमा कहते हैं, उस सवाल का भी जवाब है क्या? बराक। किस नदी पर भारत सरकार के द्वारा तिपाई मुख बांध को प्रस्तावित किया गया है, उस सवाल का भी जवाब है बराक। लेकिन तिपाई मुख बांध ये भारत में असम के दक्षिणी हिस्से में प्रस्तावित किया गया है। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जो है जरूर बताएं, और अगर पहली बार इस चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले शानदार प्रश्न के लिए।